अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो यहाँ हमारी दावत है आज बारबेक्यू की मेरे घर पर, मतलब मेरे मैके पर, और मैं तैयार हो गई हूँ। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे इयर रिंग्स और ये फिंगर रिंग्स है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अपना लुक दिखाना चाह रही थी, लेकिन जो है लुक सही आनी। तो यहाँ हम अपने घर अब जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। करीब होकर भी जो है बहुत लेट हो जाते हैं, और मेरा मैका जो है मेरे घर से बहुत करीब है, दूर नहीं है। लेकिन भी अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं, और मेरी आप ही लोग जो है गुस्सा कर रही होती है कि सबसे लेट आती हो तुम। तो यहाँ हम अपने पहुँच चुके हैं, और आप ही लोगों का चल रहा था नाश्ता। मेरी भाभी और मेरी बहन जो है, दूसरे नंबर वाली बहन जो है, वो नहीं आई है। और कई सालों में जो ये पहली बार ऐसा हुआ है, बहन जो है मतलब नहीं आई है। हम लोग में से जो है एक बहन नहीं आई है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और हम लोग बहुत 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 ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं। और यहाँ हो जाती है बारिश, हमारे बारबेक्यू का प्लान जो है लगता है फ्लॉप होने वाला है, लेकिन अल्लाह का है बारिश रुक गई थी। और यहाँ मिन्ना जो है बारिश में भीग कर आई थी थोड़ी सी, कि मतलब वो बारिश पहली दफ़ा ऐसा लग रहा बाहर देखी थी तो वो सहम गई थी। तो यहाँ उसे डर लग रहा था कि मतलब बारिश इतनी तेज़ हो गई है। और यहाँ हस्बैंड, तो यहाँ मिन्ना थोड़ी सी डर गई थी। और यहाँ मैं जो है अपना आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ ईद के, थर्ड ईद का। ये मेरा ईद के तीसरे दिन का ड्रेसिंग है। दो दिन तो मैंने लॉन कॉटन में ही गुजारा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने कुछ अच्छा पहना ही नहीं था, सिर्फ लॉन मैंने पहना था। तो यहाँ मैंने दावत के लिए जो ये कैरी किया है, और यहाँ पर जो है आटा गूंदा जा रहा है, ये दो हिस्सों में गूंद रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आटा था। तो यहाँ पे दो हिस्सों में जो है आटा गूंद रहा है, ताकि बारबेक्यू के लिए रोटी या पराठा हम तैयार कर सकें। तो यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे आटा जो है गुंदा रहा है। आटा गूंदने के बाद जो है इसका पेड़ा बनेगा, और पेड़ा बनने के बाद जो है इसकी रोटियाँ डल जाएंगी। तो यहाँ मेरे भाई जो हैं देख रहे हैं कि बारिश रुक गई है, तो बारबेक्यू का जो इंतज़ाम जो है शुरू किया जाए। तो यहाँ भाई आ गए हैं कोयला लेकर, और चूल्हे पे पता नहीं क्या जला के जो है ना उसे रख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। और हम लोग बारबेक्यू के जो है ना प्लेटर में पहले मिट्टी डालते हैं, उसके बाद जो है कोयला रखते हैं। तो यहाँ जो है मेरे भाई इंतज़ाम जो है स्टार्ट कर दिए हैं बारबेक्यू का, ताकि आगे जो है हम लोग कर सकें। और यहाँ जो है आटा गूंदा चुका है, और इसमें जो है पेड़ा बन रहा है। तो यहाँ जो है बनने वाली है बहुत सारी रोटी। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, पूरी पूरी वॉच करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बारबेक्यू का जो है प्यारा प्यारा सब बोटी आपको दिख रहा है। तो हमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो भाभी ने इसमें जो है नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, क्योंकि जब हम मसाला यूज़ करते हैं डब्बे वाला, तो ऑलरेडी उसमें नमक जो है, नमक मिर्च वगैरह जो है ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन शायद ये तादाद में ज़्यादा है, तो नमक जो है हमें कम लग रहा था। तो नमक जो है हम लोगों ने इसमें जो है एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा डाल दिया है। और यहाँ जो आपको छोटे से प्याले में दिख रहा है, तो हमने इसी से जो है कुछ बोटियाँ निकाली हैं, और इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा जो है चीज़ें इसमें मिलाया है, ताकि अलग टेस्ट ले सकें। तो ये हमारा जो है थोड़ा सही है, क्योंकि पहली दफ़ा ट्राई कर रहे थे, मैंने कहा ऐसा ना पसंद ना आए तो फिर ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। तो हमने कहा थोड़ा सा ही बना लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। अगर अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर ऐसा ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग मसाला डाल दिए थे, और मेरे हस्बैंड जी जो इसे अच्छे से मिक्स कर रहे थे। ये देखें, ये मेरे प्यारे प्यारे से हस्बैंड जी हैं, माशाल्लाह से बहुत साथ देते हैं। करना तो कुछ नहीं आता है, लेकिन अल्लाह का करम है, बहुत ज़्यादा साथ दे देते हैं। तो यहाँ हमारा बारबेक्यू जो है स्टार्ट हो गया है। मेरे भाई जो है सीख में, मतलब सीख पे तो मेरी सिस्टर लगा रही है, लेकिन मेरे भाई जो है इसे बना रहे हैं। तो यहाँ अभी जो हमारा एक एक करके आता रहेगा, अभी तो दो थे, दो से तीन हो गए, तीन से चार भी होंगे और पाँच भी होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ हमारा बारबेक्यू का जो सीख आता रहेगा, और यहाँ पर बनता रहेगा। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना था। आप लोगों को भी जो है बारबेक्यू पार्टी चल रहा होगा, हर घर में कोई ना कोई दावत होगी, या बारबेक्यू की, या बकरा ईद की, या किसी भी चीज़ की दावत अभी चल रही होगी। तो आज हमारी ईद में ईद की दावत है। अक्सर तो हमारी ईद के तीसरे दिन जो है घर पर दावत होती है, लेकिन इस बार कुछ मसले की वजह से मेरी भाभी जो है नहीं कर सकी ईद के तीसरे दिन दावत, और मेरी बहनें भी थोड़ी मसरूफ़ थी। तो आज इस बार जो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा हो गया है दावत, लेकिन अल्लाह का करम इस बार हो गई है दावत। ये मेरी तीसरे नंबर वाली बहन है जो सीख में बोटियाँ पिरो रही हैं प्यारे प्यारे हाथों से। तो यहाँ मेरी बहन जो है बोटी लगा रही हैं, लेकिन यकीन माने मुझे दूसरे बहन की कमी बहुत 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 ज़्यादा महसूस हो रही थी। उनकी पूरी फैमिली की बच्चे हैं, मेरे चीचू हैं, मतलब दुलाभाई हैं, तो माशाल्लाह से वो लोग जो है नहीं आए यार, बहुत
अफसोस की बात है। तो वो लोग नहीं आ सके बहुत, लेकिन उन लोगों को हम लोगों ने हर चीज़ पे बहुत मिस किया है, हमें बहुत याद आई उनकी। आप ही प्लीज़ आइंदा ऐसा मत करना, हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ ही इंजॉय करना। और ईद की दावत हमेशा एक साथ अच्छी लगती है, तो हमेशा आप जो है अब साथ ही रहना, ठीक है। हाँ गाइस, तो यहाँ हमारे भाईजान जो हैं कबाब जो है निकाल रहे हैं, हमारे कुछ कबाब जो है तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे भाईजान सीखों से जो मज़ेदार चटपटी सी जो है सीख कबाब को जो है निकाल रहे हैं। और यहाँ हमारा दस्तरखान लग गया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को जो है भूख लग गई थी, तो बच्चों को जो है यहाँ पर हम लोगों ने जो है खाना लगा दिया। और यहाँ मेरे बहनोई साहब जो आ गए हैं, और बच्चे ऐसे दौड़ के भागे जैसे पहली दफ़ा बाबा आए हैं। तो बच्चों का तो यही है कि जब भी बाबा आते हैं या किसी के भी मतलब पापा या बाबा या अब्बू आते हैं, तो बच्चे ऐसे दौड़ के भागते हैं जैसे कि कब से बिछड़े हुए हों। तो यहाँ ये आ गए हैं, हमारे आखिरी मेहमान बाकी थे, बाकी सब तो माशाल्लाह से आ चुके थे, सिर्फ यही बाकी थे क्योंकि ये जॉब पर गए हुए थे। तो यहाँ आ गए हैं और अब हमारी जो है बारबेक्यू पार्टी शुरू होगी, क्योंकि हमारे कबाब जो है तैयार हो रहे हैं और इतने तो बन चुके हैं कि बच्चों मतलब खा लें। तो यहाँ हमारा गुलाटी कबाब जो है फ्राई हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा है, मेरी भाभी जान ने बनाया है और हम लोगों को बहुत ही पसंद आया है ये गुलाटी कबाब। तो आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ जो है गुलाटी कबाब फ्राई हो चुके हैं और कुछ जो है हो रहे हैं। तो गाइस बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है ये हमारा गुलाटी कबाब। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ फाइनली हमारा दस्तरखान लग गया है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी रखी गई हैं और ये हमारे सारे जो हैं खाने के लिए बैठे हुए हैं, जबकि इनकी ट्रिप जो है लग चुकी है बच्चों की, लेकिन फिर भी ये बड़ों के साथ बैठ के खाएँगे। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं स्वीट डिश, ये है मीठा जो भाभी जान ने हमारे बनाया था, बहुत ही मज़े का था। और ये है गुलाटी कबाब, और अभी हमारे बिहारी कबाब सीख कबाब जो भी है वो अभी आने वाला है। तो मैंने कहा जब तक के लिए मैं वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए, तो बताएं कैसी लग रही है हमारी वीडियो, कैसा लग रहा है हमारा दस्तरखान। अभी आने वाला है कबाब, और भी मज़ेदार और बहुत ही अच्छा लगेगा अभी दस्तरखान हमारा। तो यहाँ है कुलाटी कबाब, सलाद, बिहारी कबाब, और यहाँ हमारे सारे जो मेहमान बैठ चुके हैं खाने के लिए। तो ये देखें, ये हमारा कबाब भी आ चुका है, सलाद भी है, कुलाटी कबाब भी है, बिहारी कबाब भी है, केचप भी है, रायता भी है, और रोटियां वगैरह हैं जो हम लोग अभी कबाब के साथ खाएंगे। तो यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार जो है कबाब जो है बहुत सारे तैयार हो चुके हैं, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारी वीडियो देखकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो ये फाइनल है हमारे जो है दस्तरखान, बहुत से लोग खा लिए हैं, एंड में जो हमारा कोका कोला और जू का जो है ट्रिप चल रहा है। तो यहाँ जो है मीठा भाभी हमारी सर्व कर रही हैं सबको, क्योंकि सब नमकीन जो है खा चुके हैं। और मीठे में जो ये शाही टुकड़े भाभी जान ने हमारे बनाए थे और बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी था। तो ये हमारी आज की दावत जो है कंप्लीट हो गई है और बहुत ही सब ने इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ जो है अब आखिरी में अवेज़ और अरहम हमारे जो है भांजा और भतीजा दोनों जो रह गए थे वो खाना खा रहे हैं, और बाकी सब जो है खाना खा के जो है उठ चुके हैं। ये है हमारी व्लॉग, दावत व्लॉग है, ईद की व्लॉग है, कबाब पार्टी है, बारबेक्यू है, ये हमारी व्लॉग है। अगर आपको हमारी व्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ मेरे कैमरे का रिज़ल्ट कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे कमेंट्स में ज़रूर हमें बता दिया करें, आपके कमेंट्स का हम बुरा नहीं मनाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं एंड की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रूटीन के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।